हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टूल। तो आज हम बात करेंगे मिनी टूल मोबाइल रिकवरी फॉर एंड्रॉयड वर्जन 1.0.1.1 के बारे में। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक है, उसकी मदद से आप ये टूल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि टूल को मैंने अपने कंप्यूटर में पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इस जिप फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो जिप फाइल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा राइट और एक्सट्रैक्ट हियर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं कि टूल हमारे कंप्यूटर में एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो फोल्डर के अंदर कुल मिला के 3 फाइल्स हैं, तो हमें खोलना है setup.exe को। तो जैसा आप देख सकते हैं कि सेटअप खुल चुका है और हमें क्लिक करना है नेक्स्ट पे, और यहाँ से आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट सेलेक्ट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। आप जैसे ही फिनिश बटन में क्लिक करेंगे तो टूल लॉन्च हो जाएगा। तो हम फटाफट फिनिश पे क्लिक करते हैं और टूल हमारे कंप्यूटर में लॉन्च होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि टूल का वेबसाइट भी खुल गया ऑफिशियली इंस्टॉल होने के बाद। और यहाँ पे ये टूल बोल रहा है कि हमें जो एंड्रॉयड USB ड्राइवर है इंस्टॉल करने के लिए, तो इंस्टॉल पे क्लिक करिए। और आप देख सकते हैं कि टूल प्रॉपरली खुल गया है कंप्यूटर में। तो यहाँ पे ये टूल हेल्प करता है आपको, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में से कोई भी डाटा अगर डिलीट हो चुका है या फॉर्मेट के दौरान या रीसेट के दौरान डिलीट हो गया है या बाई मिस्टेक डिलीट हो गया है, उसको रिकवर करने में, वो फाइल्स, वो इम्पोर्टेंट डेटा रिकवर करने में ये टूल काफ़ी हेल्प करता है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये यूज़र इंटरफेस है इस टूल का। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, आप रिकवर फ़ोन में से करना चाहते हैं या SD कार्ड में से। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आपने कोई भी डेटा, मान लीजिए कि कोई पिक्चर अपने फ़ोन में से डिलीट कर दिया, तो ये ऑप्शन चूज़ करिए, क्योंकि जो लेटेस्ट सारे डिवाइसेस आते हैं प्रीमियम, उनमें SD कार्ड नहीं होता। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ये चूज़ करता हूँ। और अब ये बोल रहा है कि आप अपना एंड्रॉयड का डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट कर दीजिए USB केबल के थ्रू। फिलहाल में कोई मैं डिवाइस अभी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा अपने कंप्यूटर से। अगर मैंने इस दौरान कनेक्ट कर दिया होता तो अगला प्रोसेस, अगला स्टेप आ जाता और उसमें आइडेंटिफाई डिवाइस करता, फिर उसके बाद स्कैन करता कि जितने सारे इमेजेस या कोई भी डेटा रिकवर हो सकता है, स्कैन के बाद वो सारे चीज़ें दिखने लग जाती। तो जब चीज़ें दिखने लग जाती है, फिर उसके बाद आप आसानी से उस डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं अपने डिवाइस में या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं डायरेक्टली। तो काफ़ी यूज़फुल टूल है। अगर आपने बाय मिस्टेक कुछ चीज़ें अपने फ़ोन में से डिलीट कर दिया है, तो ये टूल आपको काफ़ी हेल्प करेगा उसे रिकवर करने में। और ये टूल एक तरह से फ्री है। अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन चाहते हैं तो यहाँ जो 3 लाइन है उस पर क्लिक करके परचेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उनका वेबसाइट खुल जाएगा और वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये फ़िलहाल में iOS के लिए अवेलेबल है और Mac के लिए अवेलेबल है। और जो इसका एंड्रॉयड वर्जन है, तो देख लेते हैं कि एंड्रॉयड वर्जन का ऑप्शन कहाँ पर है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझसे थोड़ी गलती हुई कि iOS के बाद ही यहीं पे एंड्रॉयड डिवाइस का था ऑप्शन, आप देख सकते हैं। और ये कुल मिला के $39 का एक ईयर का लाइसेंस मिलता है आपको। अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, या तो आप फ्री वर्जन को ही ट्राई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये टूल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टूल ट्राई करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया है, उसकी मदद से डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।